सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्यवाही में भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 300 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद अब लगातार ही पाकिस्तानी सेना इस बात का दावा कर रही है कि उन्होंने भी भारत में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट करके इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वाकई भारतीय वायु सेना के एयर स्ट्राइक का जवाब दिया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, MOFA द्वारा जारी आज सुबह PAF के हमलों के जवाब में IAF ने LOC को पार कर लिया। PAF ने पाकिस्तानी हवा क्षेत्र के अंदर दो भारतीय विमानों को मार गिराया। एक विमान आजाद कश्मीर में गिरा जबकि दूसरा विमान IOK के अंदर गिरा। एक भारतीय पायलट को जमीन पर सैनिकों ने गिरफ्तार किया जबकि दो को क्षेत्र में। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।